पवित्र सावन का आज पहला दिन है। प्रयागराज के शिवालयों में आज भक्तों की भारी हुजूम दिखाई दे रहा है। सावन का महीना शुरू होते ही भक्तगण पहले संगम में स्नान करके शिवालय में जलाभिषेक कर रहे हैं। प्रयागराज के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। वही शिव भक्त भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और दुग्ध अभिषेक कर रहे हैं। हर कोई भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि प्रयागराज के मनकामेश्वर महादेव मंदिर के महत्व का जिक्र पुराणों में भी किया गया है। ऐसे में सावन मास में यहां पर जलाभिषेक का विशेष महत्व है। आप जिस स्थान पर हैं, ये श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। ये अति प्राचीन स्थान है। यहां पर हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। आज सावन का प्रथम दिन है। आप देख रहे हैं कि सुबह से ही मंगला आरती जब से हुई है तब से हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन कर रहे हैं, पूजन अर्चन कर रहे हैं। मनकामेश्वर की ऐसी सिद्धि है कि जो भी मनोकामना होती है और भगवान का पूजन जलाभिषेक करने के बाद भगवान से अगर प्रार्थना की जाए तो जो भी सिद्धि मनोकामना होती है मन की वो पूर्ण होती है। आज सावन का पहला दिन है और हम मनकामेश्वर मंदिर आए हैं प्रयागराज। इसका मान्यता ये है कि श्री रामचंद्र जी जब अपने वनवास के लिए निकले थे तो यहाँ पे उन्होंने रुद्राभिषेक किया था। इसका बहुत महत्व माना जाता है। यहाँ पे बहुत ही भीड़ भी लगती है। सावन के टाइम में यहाँ पे तो घंटों लग जाते हैं एक भक्तों को दर्शन करने के लिए।